अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बनाएंगे पुई साग की सब्ज़ी। उसके लिए हम लोग पुई साग को अच्छे से धो के एक बॉल में ले लिया है, और हम लोगों ने लिया है कटे हुए प्याज, लहसुन, कच्चा मिर्च, धनिया और टोमेटो, और एक बॉल में लिया है कटे हुए आलू, और हम लोगों ने लिया है ड्राई पाउडर जैसे कि मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक। और फिर हम कढ़ाई को गर्म किया और उसमें मस्टर्ड ऑयल डाले, और उसमें हम लोगों ने आलू को अच्छे से फ्राई किया। आलू जब अच्छे से फ्राई हो जाएगा हम लोग को उठा लेना पड़ेगा। फिर उसी कढ़ाई में हम लोग डालेंगे फिर दोबारा से मस्टर्ड ऑयल, और उसमें थोड़ा जीरा को फ्राई करेंगे, और उस जीरा फ्राई करने के बाद हम उसमें डालेंगे ओनियन। ओनियन को भी अच्छे से हम लोग फ्राई करेंगे, और जब हम लोग का प्याज फ्राई हो जाएगा तो हम डालेंगे उसमें लहसुन, कच्चा मिर्च, और उसको भी अच्छे से फ्राई करेंगे। कच्चा मिर्च और लहसुन और प्याज जब अच्छे से फ्राई हो जाएगा फिर हम उसमें डालेंगे टोमेटो। टोमेटो को भी डालने के बाद अच्छे से फ्राई करेंगे। जब टोमेटो अच्छे से फ्राई हो जाएगा, अच्छे से फ्राई करेंगे हम उसको टोमेटो को भी सारे मिक्सर के साथ, और अच्छे से फ्राई करने के बाद हम लोग उसमें डालेंगे आलू। फिर आलू को डालने के बाद हम लोग फिर उसको दोबारा से अच्छे से मिक्स करेंगे और फ्राई करेंगे। फ्राई किए हुए आलू डालने के बाद हम लोग उसको अच्छे से मिक्स करेंगे और अच्छे से भाजेंगे। और फिर उसके बाद हम ड्राई इंग्रेडिएंट जो हम लोग का था, नमक, हल्दी और मिर्च पाउडर, उसको डालेंगे। डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे और अच्छे से भाजेंगे। देख रहे हैं कलर कैसा हुआ है। उसके बाद हम लोग पुई साग डालेंगे। पुई साग को डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ी देर बाद देखिएगा ऐसा हो जाएगा उसका टेक्स्चर। फिर हम उसको अच्छे से सीजने के लिए ढक्कन दे देंगे, और ढक्कन दे के रख देंगे। थोड़ी देर बाद हम लोग देखेंगे, और फिर जब सीज जाएगा तो अच्छे से इस तरीके से भाजेंगे। और उसके बाद जब हमारा भाजना हो जाएगा हम उसमें धनिया डालेंगे। धनिया ऑप्शनल है, हो तो डालिए, नहीं हो तो नहीं डालिए। और थोड़ी देर बाद देखेंगे जब अच्छे से भाजने के बाद हम लोगों का एकदम से देखिएगा टेक्स्चर बदल जाएगा पुई साग के सब्ज़ी का। फिर उसके बाद हम लोग डालेंगे मसाला पाउडर, और उसको फिर अच्छे से मिक्स करेंगे। हम लोगों का हो गया है अभी पुई साग का सब्जी, और देखिए हम लोगों का पुई साग का सब्जी रेडी है। और बनने के बाद देखिए कितना सुंदर, यम्मी, टेस्टी बना है। दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।